In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today topic is types of pollution from science unit 2. Number 1 is water pollution. Causes: sewage from houses and industrial waste is discharged into water bodies without proper treatment. This pollutes clean and pure water. Spillage from oil tankers also pollutes the seas and oceans. वाटर पॉल्यूशन मीन्स पानी की आलूदगी. कॉजेस मीन्स उसके असबाब, यानी पानी की आलूदगी किस तरह वजूद में आती है. घरों से नालियों के पानी का निकलना और सनअतों की गंदगी वगैरह जब पानी में शामिल होती है बग़ैर किसी मुनासिब इंतज़ाम के, तो ये गंदा करती है साफ़ और पाक पानी को. इस तरह ऑयल टैंकर से जब तेल निकलता है, ऑयल टैंकर मौजूद होते हैं समंदरों में, जब इनसे तेल निकलता है बहरी जहाज़ों वगैरह में से, तो ये भी गंदा करता है समंदरों को. इस तरह पानी की आलूदगी भी हैबिटेट्स के लिए नुकसानदेह साबित होती है. अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. मरीन एनिमल्स स्वालो टॉक्सिक मटीरियल प्रेजेंट इन वाटर विच रिजल्ट्स इन देयर डेथ. जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि जब गंदी चीज़ें पानी में दाखिल होती हैं तो साफ़ पानी भी गंदा हो जाता है. जब इस तरह की कंडीशन होती है, क्योंकि पानी जब गंदा होता है तो इसमें बहुत सारी जहरीली चीज़ें पैदा हो जाती हैं. जब ये जहरीले मादे जो पानी में मौजूद होते हैं बहरी जानवरों के जिस्म में दाखिल होते हैं, तो उनकी मौत का सबब बनते हैं. अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन कॉजेस. Different factories and vehicles release toxic gases into the air. हवाई आलूदगी और उसके असबाब, यानी मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियाँ और उनसे जब और मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों से जो धुआँ निकलता है उसके सबब बहुत जहरीली गैसेस पैदा होती हैं हवा में. अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ, जैसा कि आपको जो है इसमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि मुख्तलिफ किस्म का स्मोक निकल रहा है फैक्ट्रीज़ से. अब जब ये स्मोक जो है हवा में शामिल होकर हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल होता है, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है. टॉक्सिक गैसेस कंबाइन विद वाटर इन द एयर रिजल्टिंग इन एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल टू वेरियस एनिमल्स प्लांट्स एंड इवन बिल्डिंग्स. जब मुख्तलिफ किस्म की गैसेस, जहरीली गैसेस हवा के में दाखिल होती हैं पानी के साथ, तो ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का भी सबब बनती है. सबसे पहले तो एसिड रेन, यानी वो बारिश जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, वो भी उसका भी सबब बनती है. और ये मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, पौधों और इंसानों के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है. अब हम पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन. What is land pollution? Land pollution is the destruction of the earth's land surface, often directly or indirectly as a result of man's activities and their misuse of land resources. ज़मीनी आलूदगी ज़मीनी सतह को, ज़मीन की सतह को आलूदा करती है, और ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से होती है जब वो ज़मीन के ज़राए का गलत इस्तेमाल कर रहा होता है. Look at this picture. You can see different human activities which are destroying land badly. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह इंसान ने कचरा जो है दरिया के नज़दीक फेंका हुआ है, जिसको मुख्तलिफ किस्म के जानवर खा रहे हैं. जब ये मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक मटेरियल्स इन जानवरों के बॉडी में दाखिल होंगे, तो ये उनकी डेथ का भी सबब बन सकते हैं. अब है नॉइस पॉल्यूशन, यानी शोर की आलूदगी. डेफिनेशन: द अनवांटेड, अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल साउंड दैट कॉजेस डिसकंफर्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. वो तमाम आवाज़ें जो ना खुशगवार हों और तमाम जानवरों के लिए बेसकूनी का बाइस बने, वो शोर की आलूदगी कहलाती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ें वगैरह शामिल हैं. जैसा कि इस पिक्चर में वाजा हो रहा है कि किस किस्म की नॉइस पॉल्यूशन डिस्ट्रॉय कर रहा है मैन के आराम को. अब हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट
एनिमल्स, यानी वो जानवर जिसका वजूद अब दुनिया में बाकी नहीं है। सम एनिमल्स लिव्ड ऑन लैंड इन द पास्ट बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल नंबर ऑफ दोज स्पीशीज अलाइव नाउ। दोज एनिमल्स आर नोन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, द डायनासोर लिव्ड ऑन अ लॉन्ग टाइम अगो बट दे आर नाउ एक्सटिंक्ट बिकॉज दे कुड नॉट अडॉप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी वो जानवर जो ज़मीन पर रहते थे अरसा दराज पहले और उनकी नस्ल में से कोई एक मेंबर भी अब ज़मीन पर बाकी नहीं है, यानी ज़िंदा नहीं है, यानी उनका वजूद सिरे से ही ख़त्म हो चुका है। पहले था, सदियों पहले, बट अब नहीं पाए जाते ज़मीन पर, वो कहलाते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। जैसा कि डायनासोर जो कि ज़मीन पर रहता था अरसा दराज पहले, लेकिन अब जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि ये अपने आप को माहौल की तब्दीली के अकॉर्डिंग नहीं ढाल सका था, तो ये बन गए एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फिर एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो कि मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, जिसमें द गोल्डन टोट और द ज़ेनेबर लीपर्ट, वाइट वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक रेनो, ये तमाम के तमाम एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। एनिमल्स विच आर इंडेंजर्ड ऑफ डिसअपीयरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड आर नॉन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। यानी ख़तरे में लाहक जानवर पाकिस्तान में, वो जानवर जो कि ख़त्म नहीं हुए, जिनका वजूद दुनिया में ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस तरह चांसेस है कि वो उनकी नस्ल ख़त्म हो सकती है, तो वो कहलाते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल थे वो जानवर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इंडेंजर्ड वो जानवर होते हैं जो जिनकी नस्लें ख़त्म नहीं हुई, जिनका सिंगल मेंबर भी ख़त्म नहीं हुआ, पाए जाते हैं लेकिन चंद तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी नस्लें ख़त्म होने का ख़तरा लाहक है। In Pakistan, many animals are on the list of endangered animals like the marhor, sand cat, Asian black bear, Indus River dolphin and Marco Polo sheep. यानी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि endangered animal की लिस्ट में आ चुके हैं, जैसा कि मारखोर हो गया, sand cat, Asian black bear जो कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, और मार्को पोलो शीप, रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन यानी दरियाए सिंध में जो डॉल्फिन है, ये तमाम के तमाम जानवरों की नस्लें ख़त्म होने का अंदेशा है। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी हम किस तरह ख़तरे में लाहक जानवरों को बचा सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स। मंदरजा ज़ेल तदाबीर इख्तियार करके हम ख़तरे में लाहक जानवरों की हिफाजत कर सकते हैं। नंबर वन, प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों के रहने की जगह की हिफाजत करके। बैन द हंटिंग्स ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों का शिकार करने पर पाबंदी लाजिम करके। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई रोक कर। रिड्यूस पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, माहौल में आलूदगी कम करके। डिवेलप वाइल्ड लाइफ पार्क्स टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों की नशोनुमा के लिए जंगली हयात पर पार्क बनवा कर। ये तमाम स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो जो जानवर पाकिस्तान में लिस्ट में आ चुके हैं इंडेंजर्ड एनिमल की, तो हम अगर इनको फॉलो करें और इनको प्रॉपर वे में अपनाएँ तो हम इन जानवरों को महफूज कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू सी ऑन बुक पेज 15 एंड 16 एंड हैव टू डू फेयर वर्क विच हैज़ गिवन, एंड वर्कशीट इज़ योर होमवर्क विच यू हैव टू सबमिट इट इन स्कूल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।